तो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज के सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं और काफी अच्छे रिजल्ट्स यहां पर नजर आ रहे हैं। तो एक बार ही चलते हैं, देखते हैं कैसे रिजल्ट्स हैं, कंपनी के शेयर का प्राइस अभी कैसे, किन लेवल्स पे दिख रहा है, इन सारी चीजों पे वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले रिजल्ट्स यहां पर हम देख लेते हैं। तो अगर हम सेल्स की बात करते हैं, 2,31,000 करोड़ के आसपास की सेल्स है, तो किसी भी क्वार्टर में हाईएस्ट एवर सेल्स इस कंपनी ने यहां पर रजिस्टर की है। वहीं अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की भी बात करते हैं, तो लगभग 41,000 करोड़ के आसपास के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के मामले में भी हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स यहां पर कंपनी के आते हुए नजर आए हैं। तो ओवरऑल हाईएस्ट एवर क्वार्टर यहां पर सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के लेवल्स पे यहां पर नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम सेगमेंट वाइज यहां पर देखते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे ऑयल टू केमिकल का बिजनेस है, वहां पर एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर किसी भी लेवल्स पे यहां पर बात करते हैं, तो एक अच्छी ग्रोथ यहां पर आपको देखने को मिली है। ऑयल एंड गैस के बिजनेस की बात करें, तो यहां पर भी अच्छी ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर किसी भी लेवल्स पे अगर हम देखते हैं। रिटेल के काम में भी एक अच्छी ग्रोथ यहां पर नजर आई है। रिटेल का जो इनका बिजनेस है, यहां पर सबसे पॉजिटिव चीज जो है वो रिटेल के बिजनेस में नजर आ रही है। सबसे ज्यादा जो ग्रोथ यहां पर नजर आ रही है वो रिटेल के बिजनेस में ही आ रही है। 69,000 से 77,000 करोड़ के आसपास के यहां पर इसके प्रॉफिट, यहां पर जो इसकी सेल्स है वो यहां पर हो गई है। डिजिटल सर्विसेज की बात करें, तो वहां पर लगभग फ्लैट नजर आ रहा है। तो जो इनका डिजिटल सर्विसेज का काम है वो अब थोड़ा फ्लैट होते हुए नजर आ रहा है। तो वो थोड़ा सा कंपनी के लिए इस वक्त, अगर हम सारे बिजनेसेस में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा कंसर्न का मैटर हो रहा है। डिजिटल सर्विसेज में मेजरली इनका जो जियो का बिजनेस है वो यहां पर कवर हो रहा है। तो जो जियो में हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी, कंपनी ने काफी ज्यादा जो नए वोडाफोन के जितने भी सब्सक्राइबर्स थे उसको काफी ज्यादा लिया था, एयरटेल के सब्सक्राइबर को लिया था। लेकिन उसके बाद से पिछले एक साल से जो इनकी सेल्स है इस बिजनेस में फ्लैट होती हुई नजर आ रही है। अब जो नेक्स्ट ग्रोथ ट्रिगर इस पर्टिकुलर बिजनेस में यहां पर इनको देखने को मिलेगा, वो जब ये अपना वाईफाई का जो काम है, जो ब्रॉडबैंड का काम है, उसको फैलाएंगे। इसमें जो जियो फाइबर का काम यहां पर बात चल रही है जिसपे, वहां से असली अब नेक्स्ट लेवल की जो ग्रोथ है वो यहां पर इसके जियो के बिजनेसेस में आने वाली है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं जियो के बिजनेस की बात करें, अगर हम ग्रॉसरी के बिजनेस की, इनकी रिटेल की बात करते हैं, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर आप देखेंगे एक जबरदस्त ग्रोथ है, 19% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। तो रिटेल का काम इनका काफी अच्छा चल रहा है, इनके मार्जिन्स भी इंप्रूव हो रहे हैं और सेल्स भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो रही है। तो रिलायंस रिटेल पे जिसपे हम हमेशा बात कर रहे हैं, वो इनका बिजनेस काफी अच्छा ग्रो यहां पर हो रहा है। इसके अलावा जियो प्लेटफॉर्म्स की यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि बहुत ज्यादा ग्रोथ यहां पर नहीं आ रही है। जो मार्जिन्स हैं वो भी लगभग फ्लैट आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें, वो भी फ्लैटनिंग होते हुए नजर आ रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्पेसिफिकली अगर हम देखते हैं, यहां पर आप देखेंगे 30,640 करोड़ के आसपास के थे, जो बढ़कर 31,000 करोड़ के आसपास हैं। तो बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है। अगर हम लास्ट ईयर से भी कंपेयर करते हैं, 28,500 करोड़ के आसपास थे, जो अभी 31,000 करोड़ के आसपास हैं। तो लगभग 8-10% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहां पर भी आपको देखने को मिली है। लेकिन जो ग्रोथ रेट थी जियो के प्लेटफॉर्म वाले बिजनेस की, वो यहां पर स्लो डाउन होती हुई नजर आई है। तो वो एक थोड़ा सा कंपनी के लिए मैटर ऑफ कंसर्न यहां पर हो सकता है। नेट सब्सक्राइबर एडिशन की बात करें 5G में, FTTH में, तो यहां पर इनके अच्छा ग्रोथ यहां पर नेट सब्सक्राइबर एडिशंस में नजर आ रही है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं, तो इन कंपैरिजन टू रिलायंस रिटेल, जियो का जो अब बिजनेस है वो थोड़ा सा यहाँ पर फ्लैट आउट होते हुए नजर आ रहा है। आज से 1 साल 2 साल पहले तक मेन इनका जो फोकस हुआ करता था, जब भी रिलायंस के रिजल्ट्स आते थे, तो वो जियो की ग्रोथ की वजह से रिलायंस का शेयर डिराइव हो रहा था। लेकिन अब रिलायंस रिटेल का जो काम है वो इसको डिराइव कर रहा है। और यही एक ऐसी कंपनी में पैसा लगाने का फायदा होता है जिसमें बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस होते हैं। कभी कोई बिजनेस इनका अच्छा करने लगता है, तो उसके बाद नेक्स्ट ड्राइवर चला जाता है और नेक्स्ट बिजनेस इनका अच्छा करने लगता है। अब ये देखना होगा कि यहां से और फर्दर ग्रोथ जो कंपनी देख रही है वो किस बिजनेस में इनकी यहां से जनरेट होती है, वो एक कंपनी के लिए अभी यहां पर
आगे आने वाले टाइम में चैलेंज रहने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत बड़ी कंपनी इस वक्त ये बन चुकी है। अगर हम बात करें इसके यहाँ पर इसके चार्ट्स पे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत अच्छी रिटर्न्स इसने नहीं दिए पिछले 3 साल में। अगर हम स्पेसिफिकली देखते हैं तो आप देखेंगे एक रेंज बाउंड होके इसका शेयर काफी टाइम से यहां पर चल रहा है, और लगभग हमने 2200 के लेवल्स पे ऑलरेडी बात की थी कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक 10-12% की एक रिटर्न्स कमाने वाली कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। कंपेरेटिवली सेफर अगर आप कंपनीज को ढूंढ रहे हैं तो वैसी कंपनीज में इस वक्त ये यहाँ पर है जिसमें ग्रोथ आ रही है। लेकिन आपको समझना है, हमेशा से जब भी आप लार्ज कैप कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं तो एक तो शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और शेयर का प्राइस यहाँ पर 2000 से 2200 के रेंज में इसका एक अच्छा प्राइस यहाँ पर आ जाता है। लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी एक्सपेक्टेशन भी समझ कर चलनी है किसी भी कंपनी में, स्पेसिफिकली जब आप लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, कि आप 10-12% की रिटर्न, 15% की मैक्सिमम रिटर्न यहाँ से ऐसी कंपनीज में देखते हैं। तो सेफर इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप देख रहे हैं, FD में पैसा ना लगाकर किसी स्टॉक में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसे स्टॉक्स आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छे रिटर्न यहाँ पर जनरेट करके दे सकते हैं। सेफर काइंड ऑफ अ रिटर्न यहाँ पर आप मान सकते हैं कि ऐसी कंपनीज में पैसा लगाकर आपको रात को नींद अच्छी आएगी, स्टॉक मार्केट में गिरावट भी आ जाएगी तो बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं होगी। तो ये उस टाइप की कंपनी यहाँ पर नजर आती है, और इन लेवल्स पे जैसे कि हमने बात भी की है बार बार, और इसके साथ साथ एक तो शेयर के लेवल्स ऑलरेडी कम थे, उसके साथ साथ ग्रोथ आई है, इसके हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पर इसके आए हैं, ये दोनों चीजें कंपनी के लिए कंबाइंड करके एक अच्छी रिजल्ट्स हो जाती है। लेकिन उसके साथ साथ आपको एक्सपेक्टेशन भी अपनी लिमिटेड ऐसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो रखनी है। तो ओवरऑल एक अच्छी कंपनी है जिसने अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर पेश किए हैं, और वो सारी चीजें जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन साथ में आगे आने वाले टाइम में जो कंपनी के लिए रिस्क रहने वाला है वो यही है सबसे बड़ा, कि नेक्स्ट ग्रोथ का ट्रिगर इस कंपनी से अभी क्या निकल के आएगा वो देखने वाली है, नेक्स्ट क्वार्टर्स में यहां पर बात रहने वाली है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं देती है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो मैं बना रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।